नांगल चौधरी में पुलिस ने एक महिला चेन स्नैचर गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो महिलाओं और लड़कियों की चेन झपट्टा मारकर रफू चक्कर हो जाया करती थी। नांगल चौधरी से एक लड़की दोपहर में कोचिंग करने के बाद अपने गांव सिरोही बहाड़ी जाने के लिए बस में चढ़ी ही थी, तभी पीछे से एक महिला ने उसकी गले से चेन तोड़ ली। लड़की ने शोर मचाना शुरू किया तो वहां मौजूद यात्रियों ने शक के आधार पर एक साथ खड़ी तीन महिलाओं में से एक महिला को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जब उससे चेन चोरी के बारे में पूछा गया तो उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, लेकिन जब महिला कांस्टेबल ने पुलिसिया अंदाज दिखाया तो वो टूट गई और चेन चोरी की बात मान ली। चेन मिली आपको? आरोपी तीनों महिलाएं राजस्थान के लाडनू की रहने वाली हैं। मौके से गिरोह की एक महिला को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बाकी गिरोह की महिलाएं मौके से फरार हो गई, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चौधरी बस स्टैंड पर बस में चलते समय एक महिला के गले से चेन किसी ने झपट्टा मारा, सत्य आधार पर एक महिला को वहाँ तैनात पुलिस कर्मियों ने अपने उसमें लेके महिला सिपाही की मौजूदगी में पूछताछ की है। उससे हो सकता है कि विशेष बात पता लगी। अभी तक उससे कुछ बरामद हुआ? अभी तक तो नहीं हुआ है, उससे पूछताछ चल रही है, उसकी तलाश लेंगे, सकता है कि उसके पास से चेन बरामद हुई। ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि इन महिलाओं के गिरोह ने कितनी चेन स्नेचिंग की घटनाओं को अंजाम दिया है। महिलाएं घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन वही महिलाएं जब अपराध करने लगे तो उनकी इज्जत खराब हो जाती है। नांगल चौधरी से रामपाल फौजी, फोकस हरियाणा।